जो मंडी है ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी जो है फल की मंडी है। तो आप सुखपुर में जो है किसी भी तरह की जो है तजारत की परेशानी अगर हो रही है, क्या हो रही है जरा सा हमारे व्यूअर्स को तफ्ती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी फ्रूट मंडी जो है एशिया के दूसरे नंबर पे, लेकिन अल्लाह की मदद से अभी एक नंबर पे जा रही है एप्पल में। और हिंदुस्तान की 400 मंडियाँ इससे वाबस्ता है। पिछले 3-4 सालों से जो इस एप्पल मार्केट में जो कमी आ रही है, इससे ग्रोवर्स काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि अनरेस्ट हुआ, उसके बाद कोविड हुआ और बर्फबारी। इस साल उन्हें थी कि फसल ठीक है, लेकिन 25 में जो तालाबारी हुई सब लोगों को काफ़ी सारे नुकसान। अभी जो हमारे यहाँ दाल फ्रेश मिल रहा है करीबन एक महीने से जो सीजन शुरू हुआ, अभी वैराइटी यहाँ बहुत होती है, लेकिन अभी तक आप देखें कि मार्केट हमारा सही नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम नेशनल हाईवे को खुला छोड़ दिया जाए और जो केसीसी 3 लाख रुपये तक है उसको माफ़ किया जाए, ताकि जो बेसिक लोग हैं उसको फ़ायदा मिल जाए। सुखपुर सेब मंडी से जो है पूरी हिंदुस्तान की जितनी सारी रियासतें हैं सब जगह सेब जाती है, तो हिंदुस्तान की कई सारी रियासतें जो है आप उससे सेब लेती हैं, तो वहाँ के जो है क्लाइंट्स को आप किसी भी तरह का पैगाम देना चाहते हैं? मैं जो भी हिंदुस्तान की मंडी इस मंडी से वाबस्ता है, मैं तमाम कस्टमरों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और अपना यहाँ से डायरेक्ट माल ले जाए, कि दूसरे को एक बेनिफिट मिल जाता है और यहाँ के ग्रोवर्स को फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी बड़ी मंडियाँ इस मंडी के साथ वाबस्ता है। और दूसरी बात, बांग्लादेश हमारा माल जाता है, नेपाल जाता है, हमारे तमाम लोगों से अपील है कि वो यहाँ आए और इतनी बड़ी मंडी से माल अपना ले जाए, क्योंकि कश्मीर एप्पल जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दशावर है और इस दशावर के बगैर और कोई दशावर नहीं। हमारे लोगों से अपील है कि वो यहाँ आए और यहाँ से माल ले जाए, ताकि यहाँ के ग्रोवर उसको फ़ायदा हो जाए, जितने भी कस्टमर्स आए और ग्रोवर उसको फ़ायदा मिल जाए। हिंदुस्तान की सभी रियासतें सुखपुर जो है सेब मंडी से जो है फल लेती है, सेब लेती है। पेमेंट के सिलसिले में आपका कोई पैगाम है हिंदुस्तान की किसी भी रियासत से, कोई भी शिकायत? मैं शिकायत तो बहुत है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हमारा ये सिर्फ ट्रस्ट की बुनियाद पे हमारा बिजनेस होता है, और लोगों को चाहिए कि जो अच्छा व्यापारी हो, अच्छा कस्टमर हो, उसको माल दें, ताकि हमारा पैसा जो ग्रोवर्स का पैसा होता है, बैंकों से कर्जा लिया जाता है, और ग्रोवर्स को चाहिए, ये जहाँ जो ट्रेडर्स हैं उनको चाहिए कि वो अच्छे व्यापारी को माल दें, जो पेमेंट नहीं रुका। और हमारा जो पेमेंट रुका हुआ है, हम एडमिनिस्ट्रेटर से अपील करते हैं कि वो पेमेंट यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वो लोगों का पैसा और लोगों को दिक्कत नहीं आ रहा। फैयाज अहमद मल्लिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मोबाइल ईटी पर जुड़ने के लिए। थैंक यू।